आयुष तो कैसा लग रहा है ये सोच के कि आज तुम एक्सपोज होने वाले हो। तुम्हारा एनालिटिक्स का जेंडर रेशियो क्या, पहले ये बताओ मुझे। जेंडर रेशियो एक डिस्ट्रैक्ट था तुम्हारे पर। अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? I get it. You earn a lot, man. I mean, almost 10-15 lakhs per month. You have been adding a lot of sponsored content also. And we are talking, so we should also talk about news boy. Sources ने ये भी बताया कि एक बड़ी YouTube creator तुम्हारी girlfriend है यार। Who's the worst vlogger? आपको पता ही होगा, आप बहुत सारे videos बनाए हो उनके ऊपर। तो किया चल सत श्री अकाल, मैं हूं योर मैन और आज मैं हूं द लॉजिकल पॉडकास्ट में विद बी बॉय। ए आयुष, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रो यार। बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें देख के। मैं जब से यूट्यूब पे हूँ, और तुम्हें जैसे पता होगा मतलब बहुत रिसेंटली आई हैव बिकम एक्टिव रियली, और जब से मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत हार्ड वर्क करते हो, एंड इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैन। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आप देख रहे हैं द लॉजिकल पॉडकास्ट। आपको बहुत स्वागत है पीपोए में, मैं हूं आकाश। इस पॉडकास्ट में हम आइसबर्ग की जो गहराई है ना, उसको डुबकी लगा के पानी में गहराई में जाके नापते हैं, और हमेशा हमारे साथ यहाँ गेस्ट होते हैं। ऐसे ही आज एक शख्स हैं जिन्होंने इतिहास रचा यूट्यूब कम्युनिटी पे, और आज 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स में सारी यूट्यूब कम्युनिटी में। कोई भी क्रिएटर हो तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको जानना ना चाहता हो या जानता ना हो। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, और वो पता चलता है उनके नंबर्स है। 700 वीडियोस 3 साल में कोई इजी चीज नहीं है। बाल बड़े लंबे हैं, घने घने हैं, और भाई भाई कह के सबको सिखा दिया है भाई भाई कहना अपने वीडियोस में। कोई और नहीं, मेरे साथ है आयुष परमार। आयुष, आपको बहुत स्वागत है। नियॉन मैन के नाम से आपको सब जानते हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है लाइफ? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग मैन? हाँ, एवरीथिंग इज ओके, बट अभी फिर से शायद लॉकडाउन लगेगा, तो आई एम काइंड ऑफ कंसर्न्ड अबाउट इट। सो या, बाकी सब ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये नियॉन मैन का ये नाम के पीछे क्या सीक्रेट है? ये मतलब ये नियॉन मैन आयुष परमार से नियॉन मैन कब रखा, कैसे रखा, व्हाट्स द हिस्ट्री? ये इसका हिस्ट्री एक्चुअली आप सुन के हंसोगे, इट एक्चुअली हैज नो हिस्ट्री। अच्छा। बात यही है। सो बेसिकली आई हैड कंप्लीटेड माय क्लास 10, ओके, एंड एक मैं सोच के रखा था कि मेरे को ऐसा कंटेंट पोस्ट करना चालू करना, बट कभी ऐसा दिमाग में आया नहीं कि नाम क्या रखना, नाम के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बट आई न्यू कि कैसा कंटेंट पोस्ट करना। तो एक दिन ऐसे रात को, जिस दिन मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ था, मैं माइक लेके बैठा एंड लैपटॉप सामने खोला अपना, एंड सो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा था, जीमेल आईडी बनाया, देन यूट्यूब चैनल ओपन किया, एंड आई अचानक से लिखा योर नेम। मेरे दिमाग में लिटरली कुछ नहीं था। अच्छा। उस टाइम सोचा कि व्हाट डू आई लाइक, उस टाइम अभी भी आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद नियॉन कलर्स एंड स्टफ लाइक दैट, नियॉन डिजाइंस, दे आर वेरी ट्रिपी एंड ऑल, तो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं बस उसी से नियॉन मैन रख दिया। यही इसका हिस्ट्री है। विद इन 2 मिनट सोच के मैं रख दिया, और आई नेवर थॉट अबाउट इट कि नाम क्या रखना। बहुत यूनिक है बट वो तो अब लकीली हो गया। और जैसा तुम जानते हो, मतलब आई वाज टीजिंग माय ऑडियंस ये बोल के नियॉन मैन एक्सपोज आने वाला है, तो गाइस ये एक्सपोज आज नियॉन मैन एक्सपोज होने वाला है। और मुझे एक बात बताओ आयुष, तो कैसा लग रहा है ये सोच के कि आज तुम एक्सपोज होने वाले हो? सही है, मेरे चैनल में बहुत लोग का मैं स्टोरीज कवर किया हूं, आज मेरा भी होगा, लेट्स सी। हाँ, और एक और बात है, मैंने इस पूरे सेगमेंट को, पूरे पॉडकास्ट को करीबन 2 भागों में, बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड किया। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट योर जर्नी, अबाउट हाउ यू हैव कम थ्रू यू नो दिस पर्टिकुलर जंक्चर, यहाँ तक कैसे पहुंचे, और उसके बाद थोड़ा यूट्यूब कम्युनिटी की बात करेंगे। अब हम दोनों बात करेंगे तो यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में बात ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता एकदम। और पर एट द सेम टाइम मैं आज बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, बिकॉज मैं बहुत नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और आई डोंट नो इफ यू नो इट, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत बिजी रहा हूँ, बट अब मैं थोड़ा सा एक्टिव होता जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए चांस है यूट्यूब कम्युनिटी को समझने का, और तुम्हारे साथ एक कैजुअली बात करके मैं वो करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ऑडियंस देख रही है वो भी इन दोनों सेक्शन में इंस्पायर हो पाए तुम्हारी जर्नी से, और यू नो दे कैन आल्सो हियर अस टॉकिंग अबाउट द YouTube कम्युनिटी, YouTube क्रिएटर्स। तो प्लान सही है, प्लान फिट है? एकदम 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 से। अच्छा, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन,
पहले तो मैं नंबर्स देख रहा था और मैंने देखा कि 700 अराउंड 700 टच करने वाले, आई थिंक 697th वीडियो आज था। तो 3 साल में इतने सारे वीडियो, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 20 वीडियो एक मंथ में अगर एवरेज लगाऊं, तो ये शुरू में ज्यादा आते थे या अब, मतलब बट हाउ डिड यू मैनेज सच अ नंबर? मैं YouTube स्टार्ट किया था अराउंड 5 साल पहले आई गेस, ओके, बहुत पहले। अभी आपको मेरे चैनल में 700 वीडियोस दिख रहा है, बट एक्चुअली YouTube में अगर मेरा सब मिला के स्टार्टिंग से अगर गिना जाए तो आई हैव अपलोडेड आराम से मोर देन 1000 वीडियोस, 1200 वीडियोस 5 इयर्स टाइम, 5 इयर्स में 1100। सो पहले मैं स्टार्ट किया था ऐसे ही रैंडम वीडियोस अपलोड करता था, ट्यूटोरियल्स, गेमिंग वीडियोस एंड स्टफ लाइक दैट। वो अराउंड 100-150 वीडियोस अपलोड किया, कुछ हुआ नहीं। देन आई स्टार्टेड अ म्यूजिक चैनल, मेरे को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, ओके। सो उस टाइम में म्यूजिक चैनल खोला, आई पोस्टेड अराउंड 100-150 मैशअप्स एंड स्टफ लाइक दैट। वो चैनल भी उतना चला नहीं। देन आई स्टार्टेड टू अपलोड मीम्स, अच्छा 50-100 वीडियोस अपलोड किया, मीम्स भी उतना चला नहीं। बट उसके बाद ये आइडिया आया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यूज चैनल, क्योंकि इंडिया में आई थिंक है नहीं, तो मैं सोचा फिर चलो स्टार्ट करते हैं न्यूज चैनल। देन यहाँ पे अभी 700 वीडियोस हुए, तो सब अगर कंबाइन किया जाए तो 1000 प्लस वीडियोस आराम से आ गए। बट कितनी मेहनत करते हो, मतलब यू वर अ टीनेजर देन व्हेन यू स्टार्टेड, और पढ़ाई भी करते हो, मतलब व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ? क्या आई एम स्टडीइंग अभी मैं कर रहा हूँ बीबीए ऑनर्स सेकंड ईयर में। आई हैड स्टार्टेड माय यूट्यूब इन क्लास 9 आई गेस। वाओ, तो पढ़ाई करते करते यार ये 9th 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स और साथ साथ यूट्यूब चैनल, और 12th के टाइम में तो योर चैनल जस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग, राइट? यस, मैं बोर्ड्स के समय भी वीडियो अपलोड करता था एग्जाम के बीच में। तो ये कहां से रहे, पैशन कहां से आ रहा है ये हार्ड वर्क करने का जज्बा? बिकॉज मुझे पता है एक वीडियो लगाने में बहुत जान लगती है, इट्स नॉट अबाउट कि लोगों ने सबमिट कर दी न्यूज हम बैठ गए, नहीं, जो भी आप we have to research, to make, हाँ, रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, तो कहाँ से आ रहा है ये पैशन? बस अंदर से था कि भाई कुछ करना है इस फील्ड में, एंड थोड़ा सा भी मतलब लोग का मतलब देखता हूँ कि दे सपोर्ट मी एंड ऑल, दैट मोटिवेट्स मी। एंड यस, मेरा है ये इंटरनल पैशन रिगार्डिंग यूट्यूब, तो इसलिए मैं सालों से इसमें हूँ। वरना मैक्सिमम 99% लोग आई थिंक अगर मेरे जगह में होते आफ्टर अपलोडिंग 200-300 वीडियोस छोड़ देते, आई एम प्रीटी श्योर 99% ऑफ द पीपल वुड लीव। बट मेरा पैशन था तो आई स्टिल कंटिन्यूड एंड फाउंड कि चलो नया जॉनरा पे शिफ्ट करते हैं, देन नया जॉनरा ट्राई करते हैं, ऐसे कर करके आई फाउंड माय नीश फाइनली। सो वैसे करके फाइंडिंग अ नीश इज इंपॉर्टेंट ऑन YouTube, वेरी इंपॉर्टेंट। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने बोला ना आयुष, वो ये है कि कंसिस्टेंसी रहना और कंसिस्टेंसी YouTube छोड़ना नहीं, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी लोग न्योन मैन से इंस्पायर होते हैं और न्योन मैन जैसा बनना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि इट्स नॉट इजी बट इट इज नॉट ऑल्सो इम्पॉसिबल। अगर आप डेडिकेशन से काम लेते हैं, अगर आप पैशन से काम लेते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं, इट्स एकदम कर सकते। तो बट हैट्स ऑफ मैन, आई मीन पढ़ाई के साथ साथ, बिकॉज मुझे पता है जो जॉब के साथ साथ, मैंने पिछले 2-2.5 साल में जॉब के साथ निभाने की कोशिश की है पर हो नहीं पाता यार। कभी कभी हो जाता है, स्पेशली एग्जाम टाइम्स थोड़ा मेरा टफ हो जाता है, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक टाइम। रात को थोड़ा एक्स्ट्रा जग के पढ़ लेता हूँ या तो यूट्यूब का काम कर लेता हूँ, बट आई हैव टू मैनेज। नहीं तो पर कितना टाइम लग जाता है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट एन एवरेज, जैसे तुम जिस तरह के वीडियोस डालते हो, आई थिंक 10-15 मिनट, कभी कभी 17, तुमने एक ट्राई भी किया था लेंथी वीडियोस का भी ट्राई करा है बीच में, तो एवरेज रिसर्च एडिटिंग अगर इस ब्रेकअप कर दें सबको, रिसर्च शूट और एडिटिंग, तो व्हाट इज एवरेज टाइम यू टेक वीडियो बनाने? वीडियो प्रोडक्शन टाइम इज ऑलमोस्ट, मेरे को ज्यादा नहीं लगता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। वीडियो प्रोडक्शन आपको भी पता है, मैक्सिमम लोग को पता ही होगा, आई जस्ट हैव टू डू वॉइस ओवर, या जब फेस कैम वीडियोस बनाता हूं आई हैव टू शूट एडिट एंड पोस्ट, दैट्स इट। बट मेन होता है रिसर्च में, आई हैव टू गो थ्रू ऑल द न्यूज सबमिशंस डेली, अराउंड 300-400 या 500 सबमिशंस आई हैव टू चेक। उसमें से बेस्ट स्टोरीज मेरे को सेलेक्ट करना होता है, नोटपैड में मैं लिख लेता हूँ, देन आई हैव टू रिसर्च कि ये सही है कि नहीं। तो मेनली रिसर्च में जाता है, अगर सुबह को फॉर एग्जाम्पल मैं उठा, मैं लेट उठता हूँ एक्चुअली, अराउंड 12-1 o'clock अगर उठा, तो उठते ही आई हैव माई लंच
एंड जब मैं फोन फिर मैं सबमिशन खोलता हूँ एंड देन आई रिसर्च टिल द इवनिंग एंड देन रात को मेरा वीडियो पोस्ट होता है. Wow. कभी कभी क्या होता है फोन अभी जैसे तो रिसर्च टाइम कितना है घंटे घंटे में अगर बात करें तो कितना रिसर्च टाइम घंटे में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 hours तो लगता ही होगा. नहीं आई एम श्योर बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक्स तो लेता ही हूँ ऑफकोर्स. इंस्टाग्राम सर्व करते करते बेस्ट पार्ट अबाउट माई वर्क इज इंस्टाग्राम सर्व करते करते आई कैन डू माई वर्क ऑल्सो. मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बाद में देखना शुरू किया बिकॉज मैं वैसे ही एक्टिव नहीं था, पर जो एक्टिव है वो जरूर देखता होगा और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है बिकॉज जब आप का चैनल सब देख रहे हैं ऑलमोस्ट इतने सारे व्यूज आ रहे हैं आप हाफ हाफ मिलियन व्यूज खींच रहे हो ऑन एन एवरेज, तो जब इतने लोग देख रहे हैं तो यू कैनॉट बी रॉन्ग. आई मीन यू हैव टू डू योर बेस्ट टू यू नो पुट द बेस्ट रिसर्च आउट देयर. आई कंप्लीटली रिसर्च करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे जॉनर में. मैं बहुत लोगों को देखता हूं कभी कभी सर्च रिजल्ट्स में देखता हूं कि कौन कौन न्यूज कवर करता है, तो बड़े ऐसे चैनल्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिनके व्यूज ज्यादा नहीं है, तो आयुष उनको क्या बोलना चाहोगे हाउ शुड दे अप्रोच इट? रूल नंबर वन हमारे उसमें वही है कंसिस्टेंट रहना होगा लाइक दैट्स द रूल नंबर वन. एंड देन बाकी मेरे जॉनर में आई थिंक इफ यू आर अ स्मॉल क्रिएटर राइट नाउ तो आई थिंक फास्ट इफ यू अपलोड फास्ट क्विकर वीडियोस देन मी देन प्रोबेबली तुमको फायदा होगा. एंड यस बी कंसिस्टेंट फास्ट थोड़ा जल्दी इफ यू कवर द स्टोरीज दैट विल बी गुड फॉर यू. एंड यस एंड यू कैन मेक सम मॉडिफिकेशंस मेरे से कुछ अलग ही करना मतलब एग्जैक्ट करोगे तो फिर टाइम लग सकता है. मेक सम मॉडिफिकेशंस इन योर कंटेंट थोड़ा सा इनोवेशन है ना थोड़ा सा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की जरूरत है. जैसे कि मैं ये वाला जॉनर लाया तब कोई ऐसा नहीं था बट अभी अगर ऐसा ही तुम करोगे तब तो ऑलरेडी मैं तो हूँ. So you have to do some modifications. हाँ, I agree. मैं देख रहा था उस टाइम पे when you started, तो मुझे नहीं लगता कोई और एग्जिस्ट करता था. एंड यू ऑल्सो आई थिंक took time, ऐसा नहीं कि it just kicked off on the first video itself. नहीं, I think नहीं, but बात ये था कि starting में जब मैं आपको बताया कि 200-300 videos post किया था उसमें maximum videos में तो 50 views या 20 views आते थे. कभी अच्छा चल गया तो 200-300 but इसमें क्या हुआ था जब I posted around 10 videos तो उसमें से एक video में ही 1K 2K views चल गया था. अच्छा, so That 1K views देख के I was like, भाई यही कुछ है इसी में लगे रहो तुमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोग कमेंट भी कर रहे हैं लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं सो इसी में लगे रहो. सो या कंपेयरिंग टू माई फर्स्ट हाफ ऑफ द यूट्यूब जर्नी जो था दिस वॉज लाइक मेरे को स्टार्टिंग में ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एंड दैट गेव मी मोर मोटिवेशन की और पोस्ट करने. तो आयुष एक्चुअली क्या है कि एक चीज जो मैंने देखी है जो मेरे एक्सपीरियंस कहता है किसी भी फॉर्मेट में आई थिंक एक नीश पकड़ना बड़ा जरूरी है और अगर आप बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हमको समझ नहीं आएगा ये इसके लिए तो हमने नहीं किया था सब्सक्राइब तो ये वीडियो क्यों आ रहा है. और ये मैंने खुद भी रियलाइज किया बिकॉज आई स्टार्टेड विद अ रियलिटी शो कॉल्ड बिग बॉस दो आई मतलब मेरे बहुत दोस्त बन गए इंडस्ट्री में बहुत जितने भी ऑलमोस्ट कंटेस्टेंट गए हैं सब जानते हैं पर उससे होता क्या है कि दैट इज नॉट अ शो विच आई वॉन्ट टू डू बिकॉज आई एम वेरी ओपिनियनेटेड और मुझे सोशल इशूज पे बात करना बड़ा अच्छा लगता है. तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी लोग आए थे वो कहीं ना कहीं उस कंटेंट को देखने के लिए आए थे तो अब नया सब्सक्राइबर्स जब जुड़ रहे हैं तभी मतलब आई कैन टेक दिस अहेड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फ्रॉम द डे वन यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि ये आप लेके जाना चाहोगे आगे तक. तो आई मीन फॉर्चुनेटली विद यू आई मीन यू गॉट दैट नीश एंड यू वर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये मैं आगे इसको निभा पाऊंगा. एग्जैक्टली. अच्छा एक बात बताओ ये लंबे लंबे बालों की क्या सीक्रेट है? लंबे बालों की सीक्रेट यही है कि बचपन से सो बेसिकली आई एम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड. मेरे पापा आर्मी में थे एंड मेरे नाना भी आर्मी में थे सो यू नो थोड़ा स्ट्रिक्ट तो रहता ही है घर में. सो क्लास 12 तक तो एकदम ही अलाउड नहीं था. मेरे को बोला गया था जो करना है भाई कॉलेज में ही करना है ये सब लंबा बालों. मेरा एक था बचपन से एक बार आई वॉन्ट टू ट्राई लंबा बाल कैसा लगता है वही दैट्स द बैक स्टोरी बेसिकली. अच्छा ट्राई करना है मेरे और फैमिली में तुमने बताया तुम्हारे डैड इज फ्रॉम आर्मी राइट तो
क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड, लाइक यू हैव एनी सिबलिंग्स और कहाँ रहते हो, वेयर डू यू, व्हाट इज योर होम टाउन? बेसिकली आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड. अच्छा. बट आई लिव इन खड़गपुर, वेस्ट बंगाल राइट नाउ. ओके. मेरे पापा पोस्टेड यहां, सो ही वाज इन आर्मी फॉर 6 टू 7 इयर्स, बट ही इज डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब राइट नाउ. सो हाउ इज योर फैमिली टेकिंग योर यूट्यूब गेम? स्टार्टिंग से ही वो मेरे को सपोर्ट किया, लाइक जब मैं क्लास 9 से स्टार्ट किया था, तब मेरा रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया था. अच्छा. फर्स्ट टर्म में तब भी दे सेड कि करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यस, थोड़ा मार्क्स पे भी रखो नजर. फिर यस, आई गॉट दिस पॉइंट कि अगर मेरे को ये कंटिन्यू करना है तो आई हैव टू शो रिजल्ट्स आल्सो, माय एकेडमिक रिजल्ट्स. करेक्ट. सो यस, उसमें भी दिमाग लगा एंड माय एकेडमिक्स एक्चुअली गॉट बेटर. अच्छा. दैट्स अ फैक्ट. आई गॉट अमेजिंग बेटर विद यूट्यूब. बट मुझे ये भी लगता है दैट यू गेट अ होल डिफरेंट एक्सपोजर व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम व्हिच यू आर अर्निंग. एक तो रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है, आपको दुनियादारी का पता चल जाता है, यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर जो कि जॉब करके या काम करके ही पता चलता है. और अब वो आपने जल्दी कर लिया एक तरह से, चाहे यूट्यूब में किया पर जल्दी करा, उससे एक्सपोजर तो मिला ही. मैंने देखे आयुष, आई सॉ सम ऑफ योर इंटरव्यूज ऑल्सो जिसमें तुम इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब मुझे लगा कि वाओ, इट वॉज ग्रेट. बिकॉज जो इंसान फेस कैम इतने टाइम पे के बात करना शुरू किया, वो सीधा इंटरव्यू ले रहा है, और बड़ा अच्छा लगा. मैंने तन्मय के साथ तुम्हारा देखा, स्काउट के साथ देखा, मुझे अच्छा लगा. हाँ, मुझे वो अच्छा लगा बहुत, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ. इट्स अबाउट कि आप पढ़ रहे हो, आप एक अपनी कंफर्ट में, आप एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो अपने घर में, फिर आप बाहर जाते हो और कैमरे के सामने लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं. तो आई थिंक यू नो, तुम में सही में टैलेंट है और वो दिख रहा है आयुष. आई होप यू विल गो अ लॉन्ग वे मैन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अच्छा, मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ. तुम्हारा एनालिटिक्स का जेंडर रेशियो क्या, पहले ये बताओ मुझे. जेंडर रेशियो आई थिंक 85-15 होगा. क्या बात कर रहे हो, 85? क्या फीमेल 85 या मेल 85? नहीं, मेल मेल. अच्छा, मेरा आई थिंक 65-45 है. बट ये तो बड़ा 85-15 तो. अच्छा, तो ये वो जो 15% जो फीमेल रेशियो है, आई एम श्योर उनको ये, उनका ये सवाल जरूर होगा कि आयुष की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं. इज आयुष लिंक्ड अप, एंगेज और नॉट? नहीं. तो आयुष सिंगल है, मतलब अवेलेबल है? अवेलेबल, रेडी फॉर, अवेलेबल? नहीं, टू मिंगल नहीं. अभी काम पे फोकस करना है. Awesome. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. So we talked about consistency, we talked about hard work. I know that you're managing a good work-life balance also because you're studying as well. But what are the key values and principles? Because जब आप इतने time एक YouTube जैसी journey करते हो और लोगों से मिलते हो, especially I'm sure कि बहुत सारे YouTube creators से मिल रहे होंगे, बातें होती हैं, लोगों के messages आते होंगे, लोग reach out करते होंगे. तो what has been your biggest learning, number one? और कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और इनसे सीखा? लर्निंग्स बेसिकली यही है, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तुमको, सो टेक दैट क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे एंड उससे अपना कंटेंट बेटर करो. एंड और क्या, सो यस, देयर हैव बीन सम फेजेस. मैं जब गलती किया, ऑफ कोर्स आई, एज यू नो, मैं बहुत पहले स्टार्ट किया था. I was in my, अभी भी मैं टीनेजर ही, एकदम अर्ली टीनेज लाइफ में मैं स्टार्ट किया था. तो एट स्टार्टिंग आई माइट हैव मेड सम मिस्टेक्स ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद धीरे धीरे आई लर्न, फिर आई मतलब चेंज किया मैं थोड़ा कि क्या करना है और वैल्यूज एंड ऑल. सो यस, इस फील्ड में तो वैल्यूज रखना ही होगा. कभी कभी तुम्हारे फ्रेंड्स भी मैस अप करेंगे, यू हैव टू, आई हैव टू कवर देम. राइट. ऐसा कुछ वो नहीं है. व्हाट यू ट्राइंग टू से इज, तुम ये बोल रहे हो कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अगर मैं गलती करता हूं, तो तुम्हारी वैल्यू तुम्हें बोलती है कि तुम वो भी कवर करोगे, तुम छुपाओगे? आई हैव, हां, आई हैव टू कवर देम. बहुत बहुत सही. आई मीन, आई बहुत बढ़िया बात बोली आयुष. और ये मुझे लगता है यही चीज आगे लेकर जाती है इस इंसान को, बिकॉज़ जहां आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो, वहां फिर यू नो, यू आर जस्ट अनदर पर्सन, यू आर नॉट. स्टार्टिंग में आई माइट हैव मेड सम मिस्टेक्स रिगार्डिंग दिस, but now I'm pretty certain ki ye cheez mein leke I cannot make compromise. Main na Ayush ek phrase bolta hu apne videos mein ki insaan ek galtiyon ka putla hai aur hum galtiyan karke hi seekhte hain.
तो पर प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब इंसान को अपनी गलती रियलाइज नहीं होती, जब हाँ. हमने अपना कान खोल के फीडबैक को लेते नहीं है. क्रिटिसिज्म हर क्रिटिसिज्म को लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्रिटिसाइज लोग करते हैं. कई बार लोग हाफ बेस्ड हाफ जज करके भी बोलते हैं, प्री कंसीव नोशन के साथ भी चलते हैं, पर उसको सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है. तो आई थिंक या आई मीन दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वालिटी दैट यू हैव. इफ यू हैव एक्नॉलेज कि तुमने मिस्टेक्स करी है पास्ट में, तुमने उससे लर्न किया है, वही एक तरीका है इम्प्रूव करने का. तो एग्जैक्टली वो सबको करना होगा. इफ यू आर इन द यूट्यूब फील्ड यू विल मेक मिस्टेक्स, 100% श्योर है यू विल, एंड उसी से सीखना है. तो कुछ फाइट्स हुई तुम्हारी अपनी जर्नी में? हैव देयर बीन एनी फाइट्स? हैव देयर बीन एनी? मुझे पता है दो तीन चीजों के बारे में. देखो मैं कम रिसर्च करी है, नया नया हूँ प्लेटफॉर्म पे, पर थोड़ा बहुत पता है मुझे. और एक आई वांट टू टॉक अबाउट वन गाय, दिस राइस गम और शिवम त्रिवेदी सस्ती कॉप राइस गम. हाँ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम? हाँ यार एक डिस्ट्रैक्ट था तुम्हारे पर. अच्छा राइस गम नहीं? हाँ हाँ राइस गम नहीं तो किया था शिवम त्रिवेदी ने किया होगा. नहीं तो शिवम त्रिवेदी नहीं करके. अरे नहीं दैट इज राइस गम. अरे मैं बताता हूँ, यू फॉलो राइट वेस्टर्न क्रिएटर्स? हाँ ऑफ कोर्स. अब आयुष तुम्हें नहीं पता, देखो ये यहाँ देखो मेरी रिसर्च ऊपर आ गई. मैं बताता हूँ कैसे. राइस गम ने एक सॉन्ग करा था एवरी नाइट सिस एलिसा वायलेट के साथ. एलिसा वायलेट के साथ तो राइस गम ने उसके बाद एक और डिस्क किया था और इसका पूरा कॉपी है वो. नो व्हाट ही इज डूइंग दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन द कंप्लीट कंपोजिशन व्हिच इज योर डिस्ट्रैक्ट इज एक्चुअली राइस गम्स कॉपी. अच्छा यू डिडंट नो दैट? यू डिडंट नो दैट? अरे देखो मतलब उस वक्त अगर मैं होता प्लेटफॉर्म पे तो ये चीज ये वीडियो बन जाता. बट हैविंग सेड दैट मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज आई ऑल्सो नो दैट यू आर अ ग्रेट रोस्टर और तुमने रोस्ट भी बड़े अच्छे ढंग से किया उसके बाद. तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? आई गेट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द हिमालयन हस्की ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स. Somehow complete कर चुके हैं 100 के subscribers. Any other person would have done it, whatever you would have said, abused that person back. But जितना creatively और innovation के साथ तुमने करा वो बड़ा अच्छा लगा मुझे. But कोई और ऐसी कुछ fights हुई हैं जो शायद नहीं आई हूँ सामने पर? एकदम starting में. अच्छा. एकदम starting में when I had started my YouTube career, हाँ. I had like 650 subscribers. हाँ. तब मैं एक video बनाया था मलिका के ऊपर, एक YouTuber है. If you know her, तब BBJ गरीब रोस्टिंग गुरु वर्सेस मलिका योर गाय हुडर, मतलब उस टाइम के क्रिएटर्स के बीच में वॉर चल रहा था. तो बेसिकली आई हैड कवर्ड अ वीडियो अबाउट मलिका. अच्छा. सो मैं एक वीडियो बनाया था, दैट वाज माय ओपिनियन बेस्ड वीडियो. उस टाइम मैं 100% श्योर नहीं था कि मेरे को न्यूज में ही जाना है या कॉमेंट्री करना है विद माई ओपिनियन. तो आई वॉज जस्ट बोला था तो यूज्ड माय वीडियो एंड वो अपने वीडियो में डाल दिए थे. तो आई हैड डीएम्ड हिम कि भाई डाल दो मेरा क्रेडिट्स, थोड़ा सा दे दो इफ यू कैन. तो फिर नेक्स्ट डे में उठा था, मेरा 100 सब्सक्राइबर्स हो गया था. अरे क्या बात है. अरे मैं शिफ्ट हो गया थोड़ा पॉइंट से. हाँ बेसिकली दैट वाज द ड्रामा एकदम इनिशियली बीबीजे वर्सेस मलिका वाला सीन. तब उस टाइम मैं भी था. उस टाइम आई वाज नॉट रियली अ न्यूज़ चैनल, आई हैड जस्ट स्टार्टेड. बट कब लगा ओपिनियन, कब लगा कि अब मैं सीन में आ गया हूं? कब लगा? ये जब ड्रामा हुआ था उसके बाद और 10-15 वीडियोस जब मैंने बनाए और मेरे वीडियोस में कंसिस्टेंटली 2K, 4K व्यूज आने लगे थे एंड पीपल हैड स्टार्टेड कमेंटिंग, रेगुलर सब्सक्राइबर्स वापस आके देख रहे थे, आई वाज सीइंग कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. तब आई फेल्ट लाइक, एंड ऑल्सो बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ मेरा थोड़ा बातचीत भी चालू हो गया था, लाइक गरीब एंड ऑल, गरीब रोस्टिंग गुरु एंड ऑल. तब मेरे को लगा हाँ आई कैन डू समथिंग एंड इसको अब कंटिन्यू रखना. और जब राइस गम का डिस्ट्रैक्ट आया उसके बाद तो लग रहा होगा कि चलो अब तो डिस्ट्रैक्ट भी बनने शुरू हो गए. I didn't know about this point. नहीं वो देखो थोड़ी बहुत तो मैं चीजें रखूंगा ना इस पॉडकास्ट में जिनको तुम्हें सरप्राइज करूं जिससे तुम्हें.
तो अच्छा एक बात बताओ, सो कई लोगों ने जैसे क्लेम किया दैट यू हैव बीन यू नो एडिंग लॉट ऑफ स्पॉन्सर्ड कंटेंट आल्सो इनडायरेक्ट स्पॉन्सर्ड कंटेंट, तो व्हाट हैव यू डन दैट एंड हैव यू शिफ्टेड दोस प्रायोरिटीज नाउ, हाउ यू अप्रोचिंग योर गेम? यस एग्जैक्टली, सो उसके बाद मैंने जितना भी स्पॉन्सर्स किया है आई इधर ऐड इंक्लूड्स पेड प्रमोशन या डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में हैशटैग ऐड या हैशटैग स्पॉन्सर्ड लिख देता हूँ व्हेनेवर आई कवर अ स्पॉन्सर. सो यस, ये अगेन दैट पॉइंट की गलती से मैं सीखा. दिस इज द सेम एग्जैक्ट थिंग. उसके बाद से यू कैन चेक माई स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट, यू कैन सी की इंक्लूड्स पेड प्रमोशन या डिस्क्रिप्शन में यू विल क्लियरली सी कि आई हैव रिटन ऐड या कुछ. अच्छा, what is the one thing which has worked for you the best? मतलब कौन सा वो milestone लगा कि यार यहाँ सबसे, एक तो I know that last year it was a big controversy that happened and many people got lot of views because of that, but what is you that missed one that right? उस time आप नहीं थे ना? नहीं नहीं, I was very less. I was actually doing a consulting project यार. मैं ना junior है ना, उनको consult कर रहा था. तो द थिंग इज कि उस वक्त तो सबको ही मिला यू नो अटेंशन, बट मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज वन थिंग दैट रियली वर्क्ड फॉर यू स्पेसिफिकली, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंट्रोवर्सी, वन थिंग व्हिच हैज रियली बेनिफिटेड यू इन योर अप्रोच या इन योर वीडियो कंटेंट क्वालिटी, इट कुड बी क्रिएटर्स हु हेल्प यू अलोंग द वे, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच वर्क्ड द मोस्ट? वन थिंग कोई इंसान भी हो सकता है, उसकी सजेशन भी हो सकती है, तुम्हारा कोई एथिक हो सकता है, तुम्हारा कोई रूटीन का पार्ट हो सकता है, क्या ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा काम करा है जिसने? बेसिकली आई हैड सम स्टार्टिंग में कुछ फ्रेंड्स, मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स से बात कर करके अच्छा लगता है मेरे को, लाइक शेयरिंग, वन ऑफ देम बीइंग करीब एंड रोस्टिंग गुरु. सो ये स्टार्टिंग में जब ये लोग मिले थे दे हैड लाइक thousands of subscribers, so they gave me tips and all ki video banate raho ye wo. And dheere dheere jaisa ki main again I'm repeating myself ki galtiyon se main seekhte raha. और तो मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करवाता हूँ कि टेक्नोलॉजी वाइज, लेट्स से कि टेक्नोलॉजी वाइज कैसे अपग्रेड करा है, कब कब अपग्रेड करा है, इट कुड बी सॉफ्टवेयर, इट कुड बी द इक्विपमेंट दैट यू आर यूजिंग, व्हाट हैज बीन दोज माइलस्टोन्स? जैसे मैं देख रहा हूँ यू हैव गॉट दिस, दिस इज ब्लू राइट? है ना? हाँ. सो स्टार्टिंग में आई हैड अ पीसी एकदम नॉर्मल 40,000 या 50,000 रुपीज का था, जो घर में पड़ा हुआ था उसी से मैं वीडियो बनाता था. अच्छा. एंड पापा मेरे को बोर्ड्स के बाद गिफ्ट किए थे एक माइक कि लो ये तुम्हारा गिफ्ट है, अब स्टार्ट कर सकते हो तुम, माइक ले लो. सो दैट वाज माय फर्स्ट गिफ्ट. उसी माइक से मैं अराउंड 150 वीडियोस तो बनाया ही हूँ आराम से. क्या बात है. उसके बाद आई बॉट अ लैपटॉप, देन रिसेंटली मेरे को फेसबुक से, आई एम इन फेसबुक ऑल्सो, मैं फेसबुक में गेमिंग वीडियोस क्रिएट करता हूँ. तो उसके लिए आई हैड बॉट अ गेमिंग लैपटॉप. अच्छा. मैंने देखा वो, मैंने तुम्हारे फेसबुक वीडियोस भी देखे. अच्छा, फेसबुक वीडियोस सब कुछ देख के आया हूँ मैं आज. हाँ, तो उसके लिए आई बॉट अ गेमिंग लैपटॉप, देन फेस कैम स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स कैमरा एंड लाइटिंग के लिए रिंग लाइट लिया हूँ. एंड कोलकाता में मेरा एक सेपरेट सेटअप ऑलरेडी है. अच्छा. सो मैं ऐसे प्लान किया था कि अगर या मैं खड़गपुर में रहूं अभी जाऊं या कोलकाता में कॉलेज में, तो दोनों मैं वीकेंड्स में बेसिकली खड़गपुर आ जाता था कॉलेज. अच्छा अच्छा. तो आई प्लान्ड आउट कि दोनों जगह मेरा सेटअप रहना चाहिए. ओके. दोनों जगह मेरा सेटअप क्रिएटेड है. सो या मेरे को मेरे कॉन्टेंट में उतना सेटअप का इम्पोर्टेंट, मतलब उतना ज्यादा जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड अ फोन, लैपटॉप, दैट्स इट. और जब तक फेस कैम नहीं किया था तब तो लाइटिंग की भी जरूरत नहीं थी. हाँ, तब तो लाइटिंग का भी जरूरत नहीं था. Yeah, I agree. I heard that you earn a lot, man. I mean, almost 10-15 lakhs per month. क्या सही है? कुछ नहीं. नहीं नहीं नहीं, मेरे कुछ सोर्सेज ने ये भी बताया कि एक बड़ी यूट्यूब क्रिएटर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यार. दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है इंस्टाग्राम पे. गलत. ऐसा कुछ नहीं. सो यार, स्टिल मेरे एज के लिए काफी आई अर्न, एंड आई हैव लर्न्ड दिस बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कि जितना भी अभी कमा रहा हूँ
आई हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जितना जल्दी आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग उतना बाद में जाके मेरे को फायदा होगा. एब्सोल्युटली मैन, आई मीन आई कांट टेल यू कि इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है. जितनी जल्दी करोगे और जितनी जल्दी हेल्थ प्लान्स वगैरह लोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा. सो यस, मैं इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया हूं इन पीपीएफ, इन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिर एसआईपी है वो. हां एसआईपी भी है. अरे क्या बात है, क्या बात है. देन आई आल्सो डू स्टॉक समटाइम्स. वाओ वाओ वाओ, तो बड़ा वो देख ली द बिग बुल. हाँ, नहीं नहीं बिग बुल नहीं देखा मैंने, बट हर्षद मेहता देखा. अच्छा, कैम 1992. हाँ, तो थोड़ा सा अब सेकंड सेक्शन पे जाने से पहले थोड़ा सा आई वांट टू नो यू इवन बेटर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पीप इनटू योर पर्सनल लाइफ. तो व्हाट अबाउट योर हॉबीज मैन, बट अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब स्टडिंग, व्हाट एल्स यू लाइक टू डू? आई लव टू इन्वेस्ट, आई लव टू ट्रेड. रिसेंटली मैंने लास्ट 6 मंथ्स में मैंने स्टार्ट किया in stock market and in cryptocurrency. I also do crypto. Yes. Oh. It's really good. Which currency are you investing in? In crypto. My favorite is Cardano ADA. Ah. Okay. Do you know? Yeah. आप भी करते हो क्या? नहीं नहीं, I've not started, but yeah, I've थोड़ा बहुत. Yeah. I keep myself. I have a few projects जो long term में मैंने invest किया and I'm pretty sure they will give me good returns. Uh-huh. So yes, I do research. रात को बैठ के एक घंटा तो I give crypto market and stock market को. I love to do this. Trading मेरा शौक है. क्या बात है. You know, you were very much into music also. हाँ, I was into music also. I am into music, but अभी उतना production नहीं करता. बीच में I started to learn कैसे music बनाते हैं ये वो. तब music भी करता था. And throughout my life, I love sports. अच्छा. Each and every sport, almost every sport. क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल. आई वॉज इन मैक्सिमम 3-4 स्पोर्ट्स में, तो मैं अपना स्कूल टीम में ही था. अच्छा, तो आई लव स्पोर्ट्स आल्सो. ओके, सही है, बहुत अच्छा है. बट अभी वही है कि मतलब कोविड की वजह से हम लोग आउटडोर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं. कोविड की वजह से तो स्पोर्ट्स, बट अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट यार, थोड़ा बहुत यू नो आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एकदम. अच्छा आयुष, हम लोग शिफ्ट करते हैं सेकंड सेक्शन पे, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट आवर यूट्यूब कम्युनिटी आल्सो. और मैं तुम्हारा इनपुट लेना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, बिकॉज इतनी रिसर्च करनी पड़ती है रोज. तो ऑलमोस्ट यू वुड नो ऑल ऑफ देम सो मच बेटर देन एनीबॉडी एल्स फॉर दैट मैटर. आई गिव यू सम ऑप्शंस एंड इट्स आल्सो ओपन, जैसे कॉमेडी है, रोस्टिंग है, रिएक्शंस हैं, गेमिंग है, तो व्लॉगिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि तुम्हें लगता है कि मतलब जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है और आगे बहुत जाएगा, और तुमने उनकी जर्नी देखी और बहुत पसंद करी है? इंडिया से आई बी, इंडिया से ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, व्लॉगिंग उतना ज्यादा मैं देखता नहीं. ओके. मेरा व्लॉगिंग का पर्सनल ऐसे है कि आई वॉच अ क्रिएटर फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड उसके बाद अचानक से मेरे को मन नहीं करता, फिर मैं उतना व्लॉगिंग कंटेंट कंज्यूम नहीं करता. But yes, there is one creator like you must be knowing, Saurav Joshi. Saurav, yes. I know him from like thousands se janta hu main unko. Personally, zyada baat cheet nahi hua. But yes, I have seen him grow thousands se, literally. Isi lockdown mein he went from thousands to million. Really so, a humble guy. That was a great journey. बहुत humble है और बड़ा ही, I think उसकी भी जो values हैं बड़ी अच्छी हैं. उसके मैंने थोड़े vlogs follow किए हैं recently और बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब देखे मुझे अच्छा. कोई भी ऐसा creator होता है जो एक तो ground से जुड़ा होता है तो मुझे अच्छा लगता है. एकदम एकदम, exactly. एक और भी हमारे vlogger हैं, who's the worst vlogger? worst vlogger आपको पता ही होगा, आप बहुत सारे videos बनाए हो उनके ऊपर. नहीं, मैं चाहता हूँ कमेंट में पूरा जो भी लोग देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करें कि उनके हिसाब से वर्स्ट व्लॉगर कौन है, और नियॉन मैन किसको वर्स्ट व्लॉगर बोलना चाह रहे हैं जो वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट में बोल दीजिए. कोई जीत पाया भाई व्लॉगिंग में, तू बता भाई. ऐसे कॉन्टेंट है ना उसकी, वो हर व्लॉग में अपनी बीवी और टाइम स्टैम्प यूज करना. I think that was my first video जिसमें मैं आपको कवर किया था ना, that was your first video I guess. Correct, I guess, yes. Yes, I remember you from there. Yes, yes.
मैंने मतलब एज आई टोल्ड यू, मतलब मुझे यूट्यूब इंडिया का सीन पता ही नहीं था, आई यूज्ड टू फॉलो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स फ्रॉम आउटसाइड बट आई डिडंट हैव एनी सीन, बट या आई एम ट्राइंग टू अपस्केल माई सेल्फ. अभी मैंने जब यू नो आई डिडंट नो अबाउट दिस गर्ल हु यू मेंशन मालिका, बट जब मैं सलोनी आपा के बारे में रिसर्च कर रहा था देन आई गॉट टू नो अबाउट हर हिस्ट्री एक्सेट्रा, मुझे पता ही नहीं था. सो आई एम द लीस्ट अवेयर ऑफ अमंगस्ट एवरीबडी. तो बिटवीन यू नो ऑल द ग्रेट्स, बिकॉज कॉमेडी जॉनर हमारे यहाँ सबसे बड़ा जॉनर है इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स में, राइट? आशीष हो गया, भुवन हो गया, हर्ष हो गया, एल्विश इज राइजिंग इज वेल, और भी क्रिएटर्स अराउंड टू हेल एंड ऑल जिनको मुझे नहीं पता ज्यादा जिनके बारे में, बट आई वांट टू आस्क यू हु इज योर फेवरेट. यू हैव टू थ्री, यू कैन नेम देम एज. माय टू ऑफ द फेवरेट्स आर बीबी एंड आशीष. बीबी को मैं तब से देख रहा हूं व्हेन ही हैड लाइक 3 लाख सब्सक्राइबर्स. अच्छा. एंड आशीष को मैं सब्सक्राइब किया था व्हेन ही हैड 4 लाख. सो तब से आई हैव बीन फॉलोइंग देम इयर्स, बहुत साल. बीबी को तो आई हैड फर्स्ट सब्सक्राइब्ड व्हेन आई वाज इन क्लास 8 और 9. अच्छा. तब से आई हैव बीन वाचिंग हिम एंड आशीष चंचलानी. सो यही दोनों, दीस टू आर माय फेवरेट्स. यार मुझे ना, मैंने 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 भी आशीष और भुवन को तो बहुत देखा था, मैंने हर्ष को नहीं देखा था. और मैंने अभी रिसेंटली बिकॉज वन ऑफ माई कजन शोड मी वन ऑफ हिज वीडियोस और पुराना वाला वाइन वीडियो दिखाया, एंड आई वाज सो एस्टोनिश कि यार बंदे में कितना टैलेंट है. हर्ष में भी मतलब ही इज क्वाइट अंडररेटेड मुझे ऐसा लगता है. मतलब आई एम श्योर ही हैज गॉट लॉट ऑफ अटेंशन ऑल्सो, फिल्म भी एक आई उसकी, पर यार ही इज ऑल्सो अ जीनियस मैन व्हेन इट कम्स टू मूवी मेकिंग. और आई थिंक लंबी लंबी मूवीज कर रहा है हर्ष. And all these guys are like helping India scene a lot because इन्होंने जितना कॉमेडी को ऊपर पहुंचा दिया इंडिया सीन में. Also mostly Sel is doing really great. मतलब except the YouTube part, she is going mainstream right now. Right. Absolutely. She is make representing the मतलब kind of representing the YouTube community mainstream में भी. Correct. So she is doing great. Yes. अच्छा, what about roasting channels? Roasting channels में obviously I'll not talk about Carrie. He the biggest right now. But apart from Carrie, जो you know और दूसरे category में अगर मैं बात करूँ, you know there are a lot of people like Lakshay has done really well off late. Thagesh, I have watched him. You know, who's your favorite in terms of roasting? I'm not talking about the genre of triggered insan. I'm talking about pure roast. I'm not talking about reactions. Favorite Lakshay है अभी, I think. लक्ष्य एंड सम्राट भाई का कॉम्बो इज रियली ग्रेट. हाँ, बहुत लॉजिकल होते हैं. मैंने फॉलो किया लक्ष्य को और सम्राट को ऑफ लेट, लास्ट 6-8 मंथ से बहुत फॉलो किया और मैंने देखा लॉजिकल है, क्योंकि जो लॉजिकल रोस्ट होता है ना उसमें जो सरकैज़म होता है वो अलग ही लेवल पे आता है. तो एंड ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक 100% करेक्ट, कभी कभी वो लोग भी गलती करते हैं एंड देन आई ऑल्सो पर्सनली पॉइंट हिम आउट कि भाई ये है ऐसे करके. तो हम मेरा कभी कभी बातचीत हो जाता है यार, जब लोगन पॉल गलती कर सकता है, इतने बड़ी मैनेजमेंट उसके साथ है, इतना पैसा उसने दिया है. अभी अभी डेविड डोब्रिक ने बहुत बड़ी गलती करी. डेविड डोब्रिक का सीन इज लाइक, तो यार गलतियां सब करते हैं. आई थिंक इफ यू लर्न फ्रॉम इट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और आप उस गलती को दोहराते रहते हो जैसे हमारी मैडम मिस जोन, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग. आई मीन you know, तो anyways reaction channels की बात करते हैं. तन्मय, निश्चय, which is triggered, who do you follow? I don't watch reaction channels ज़्यादा. Simon Says हो गया. अच्छा. Simon Says is great. हाँ. Simon Says is great and Triggered in Silence also really good. उनका तो दोनों channels बहुत सही चलता है, like I've seen, चाहे gaming हो या first main channel हो. मॉम का भी आई थिंक कुकिंग का है. Yes. Which is amazing. His sister, his brother, everyone is in. क्या वाइब होती होगी ना, ऐसा लगता है जैसे पहले होता ना पुराने जमाने में, जैसे हमारे बॉलीवुड में कुछ घराने हैं जिसमें हर कोई एक्टर है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हर घर में जैसे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ऐसे इनके घर में सारे यूट्यूबर्स हैं. तो ये भी एक नया कल्चर बन रहा है. But some people say him कि nepotism वगैरह कर रहा है. I get where they are coming from. But YouTube में ऐसा है कि हाँ चलो मान लिया कि he gave them boost, ठीक है, एक सब्सक्राइबर्स बढ़वा दिया, बट वाई आर पीपल कंटिन्यूअसली वॉचिंग देम कॉन्स्टेंटली, बार बार आके क्यों देख रहे हैं? इट्स बिकॉज ऑफ देम.
स्टार्टिंग में तो बूस्ट दे ही सकते हो, ऑफ कोर्स यू हेल्प देम. नहीं एक्चुअली पता क्या आयुष, द थिंग इज कि समटाइम्स ना पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट नेपोटिज्म इज रियली. और देखो अगर अगर ट्रिगर्ड इंसान कोई मूवी बना रहा होता जिसमें वो एक ऑडिशन ले रहा होता और फिर वो प्रेरणा को चांस दे देता जबकि किसी और का आउटसाइडर का ऑडिशन उससे ज्यादा अच्छा होता, तब वो नेपोटिज्म कहलाता. मतलब यहाँ तो नेपोटिज्म की बात, अगर यूट्यूब में हो तो यू कैन वॉच एनीथिंग, तुम्हारे पास चॉइस हंड्रेड्स ऑफ चॉइस है. But why do people go and watch them? तो इसमें I don't get nepotism वाला tag कैसे आ रहा है? नहीं नहीं वो वो हाँ वो घुसाया गया है, वो actually चल रहा था ना nepotism word use करके views आएंगे तो. But कौन से ऐसे upcoming creators हैं या creator है जो तुम्हें लगता है this we have seen Saurav Joshi of course he is now grown but ऐसा कोई है बट ऐसा कोई है जो तुम्हें लगता है कि यार this channel या these channels will also you think will grow or should have grown? Recently, I started to watch female creators उतना ज़्यादा है नहीं, I think YouTube India में. मैं उस पे आने वाला हूँ. रिया गोगोई, हाँ रिया गोगोई is a good creator. उनको मैं देखता हूँ कभी-कभी. And also her friend Priyal Dhuri. अच्छा. Do you know him? No, 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 not at all. So they have Priyal Dhuri has like 60-50,000 subscribers. Okay. And रिया गोगोई recently crossed 1 lakh. So they are really doing great. Okay. Riya Gogoi, I think female blogging उतना I think है नहीं इंडिया में. So she can take that niche. अच्छा fitness की बात करें तो fitness में किसी को follow करते हो? Fitness में किसी को नहीं. बीच में कुछ कुछ drama हुआ था fitness में and I was like जल कह रहा मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा. Mr. बहुत पहले दो या तीन साल पहले हुआ था. साहिल खान versus संग्राम चौगले. कुछ इंडस्ट्रीज आई जैसे एविएशन इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया, जैसे फिटनेस ऑन यूट्यूब हैज आल्सो कम डाउन. मेनी व्लॉगर्स लाइक कृष्ण गुजमान आई यूज्ड टू फॉलो अ लॉट, कोई व्लॉग्स ही नहीं आते, कुछ नहीं आता उनका बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज हिट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, कोई जिम नहीं जा पाता. अच्छा अगर फीमेल क्रिएटर्स की बात करें, आई वांटेड टू जस्ट कम टू दैट, अगर मैं पूछूं आयुष से तो आयुष वुड बी वुड लाइक टू वॉच हूम मोर, मैं यहाँ ऑप्शन देने वाला हूँ. Wanderers Hub, Prerna Malhan. मतलब seriously यार बेइज्जती हो रही है यार, मतलब funny लग रहा है. या सलूनी आपा, पायल जोन. अरे और प्राजक्ता कोहली, mostly same. और मेरे पास और कौन सी चॉइस है, सिमरन सिमरन मनकतला. अच्छा. तो आयुष किसको देखना ज्यादा पसंद करेंगे और किसको भी नहीं देखेंगे? I would say कि I don't really know Simran उतना ज़्यादा, मैं देखा नहीं हूँ. Okay. So I would rather watch mostly Sen and ये Prerna. Prerna. And who you will not watch? You said. चलो सलोनियापा का मतलब ठीक है, मतलब she makes some efforts, but Payal Zone is एकदम एकदम ही मतलब I don't even consider her as a creator. Yeah, I don't know what she's doing there. She needs to learn fast, man. अच्छा बाहर के YouTube creators में who has inspired you a lot, who you have followed a lot? Two creators have inspired me a lot. One of them is of course Drama Alert, Keemstar. Okay. Uh-huh. And secondly, Scarce. Do you know Scarce? Yes, yeah. Uh-huh. These two were the top two. Kavos, Kavos, Scarce. Kavos, Kavos, Scarce or Keemstar? I know. Kavos also really good. I followed him when he had like 10,000 subscribers. अच्छा. तब से मैं I know him. Kavos is really good. And Pyrocynical, do you know him? No, I don't know. Commentary. You must check him out. Like Pyrocynical, अभी content switch कर लिया. But back then he used to make commentary videos. Really funny and really मतलब अच्छे तरीके से opinion भी देता था अपना and बहुत अच्छे से present भी करता था अपना कुछ भी topic होता था YouTube में. So mainly जब मैं YouTube start करने वाला था, I was thinking Pyrocynical based बनाऊँ, अपना opinion देके news present करूँ या Keemstar, mostly news से ही बात करूँ. तो I was thinking यही दो में मेरा था, but I took news channel ही start करते हैं.
अभी तो गेमिंग ही इज द सबसे ज्यादा बूमिंग वाला कैटेगरी। नहीं ये जब से पबजी बंद हुआ तब से थोड़ा सा इन लोगों को भी अच्छा खासा हिट भी लगा, राइट? तब नहीं बट हाँ हिट हुआ है मोबाइल गेमर्स को, लाइक मॉर्टल, स्काउट, ये लोग मोस्टली मोबाइल गेमर्स थे। बट लुक एट द अदर साइड, द पीसी साइड, यू कैन सी लॉट ऑफ क्रिएटर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, रचित रो, लाइव इंसान, उसके बाद फ्री फायर में से टोटल गेमिंग, लोकेश गेमर, एएस गेमिंग, एंड मेनली सबसे बड़ा अभी टेक्नो गेमर्स इज डूइंग वेरी वेरी गुड। हाँ, ही हैड 15 मिलियन अभी। हाँ अभी मैं ये सुनने लगा हूँ, बिकॉज मैं बस पहले डायनामो पता था मुझे और मॉडल पता था, पर हाँ मैं चपाती पता था मुझे, बिकॉज आई यूज टू लव GTA, चपाती एंड लॉगी आल्सो, मतलब पीसी गेमिंग अभी बूम हो रहा है। हाँ, ये यू आर राइट, पीसी गेमिंग इज बूमिंग अ लॉट, करेक्ट। एक लास्ट जॉनर बच गया, वो तुम्हारा जॉनर है। यू नो एंड वी आर टॉकिंग, सो वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट योर बिगेस्ट कंपेटिटर राइट नाउ, न्यूज बॉय। सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं न्यूज बॉय के बारे में YouTube, बट वी आर रियली गुड इन, मतलब पर्सनल लाइफ वो दिखता है, वो पता भी चलता है, और तुम दोनों यू नो यू आर वेरी मच ग्राउंडेड, तो वो अच्छा लगता है देखने में। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम, एंड डू यू थिंक ही कुड ओवरटेक यू, एंड व्हाट डू यू थिंक हिज सीक्रेट इज, व्हाई ही इज यू नो ग्रोन सो फास्ट? बेसिकली आई थिंक उसका सीक्रेट यही है कि एक टाइम आया था जब उतना ज्यादा मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता था, एंड थोड़ा सा लेट में मेरे तरफ से आता था स्टोरीज एंड कुछ भी, तब ही पिक्ड अप, एंड वो स्टोरीज का मैंने, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स, मेरे मौके पे चौका लगा दिए। हां, बहुत, एंड YouTube वर्सेस TikTok में तो सबका ही हुआ, करेक्ट, तो दैट वाज परफेक्ट टाइम फॉर हिम। एंड बहुत पहले, लाइक 2.5-3 इयर्स अगो, यू माइट नॉट बी नोइंग, मेरा एक कॉम्पिटिटर सिमिलर कॉम्पिटिटर था। अच्छा, सिमिलर? अच्छा, यस एग्जैक्टली, आई हैड लाइक 2 lakh और 1 lakh 50, एंड ही स्टार्टेड टू ग्रो एंड ही गॉट टू 40-50k, सो यू कैन सी लाइक, मतलब आ रहा था वेरी क्लोज टू माय, बट ही स्टॉप्ड अपलोडिंग वीडियोस, ही स्टॉप्ड, एंड देन ऑफ कोर्स मैं, एज आई सेड, कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग Absolutely. You can survive. Absolutely. And do you also think ki zyada upload bhi nahi karna chahiye, or you think ki it's okay if you're uploading daily, it's fine? What do you think? Exceptions ho sakte hain, jaise ki YouTube versus TikTok ke time, I remember sometimes I used to upload like 2 or 3 videos a day. And tab bhi sab video mein 1-1 million views jaate the. So yeah. जो टॉपिक लोग बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में सुनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आई मीन यू शुड गिव दैट कंटेंट। अगर आपका एक ऑडियंस है जो डिमांड कर रहा है कंटेंट, तो मुझे लगता है तब दो, बट जबरदस्ती मत परोसो। जब सुनना चाह रहा है कोई तो ऑब्वियसली दो ना। जब अपडेट्स, जैसे आई रिमेंबर सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे, पीपल वांटेड टू लिसन बिकॉज पीपल वर रियली कंसर्न। तो इफ यू आर मेकिंग, इट्स नॉट फॉर द व्यूज, इट्स यार आप एक बात सोचो, इट्स मोर फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, कि यार YouTube क्रिएटर्स जो हैं वो किसके लिए बनाते हैं वीडियोस, ऑडियंस के लिए बनाते हैं। तो अगर आपका ऑडियंस डिमांड कर रहा है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अब यू नो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है, मोबाइल फोन है, आईफोन 12 की बहुत सारी डिमांड है, अब वो एप्पल वाले बना रहे, कह रहे हम तो भाई 10,000 PC बनाएंगे, जबकि 1 lakh लोग डिमांड कर रहे हैं। तो यू हैव टू, यू नो, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो डिमांड को जस्टिफाई करो। इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई व्यूज हैं तो आप बना रहे हो, इट्स योर कस्टमर, योर कस्टमर इज डिमांडिंग कॉन्टेंट। So exactly. I think that's where people don't understand, you know, this is a line of difference. But Ayush, it's been great, yaar. We've almost touched 50 minutes, aur wo pata hi nahi chala time ka. Wo ekdam exactly, mere ko hi pata nahi chala. aur mujhe nahi lagta mujhe zyada edit karna padega, Ayush. You know, we could have very well gone live with this kind of conversation, with this kind of flow. है ना, बिकॉज क्या होता है कि यू नो जब आप बात कर रहे हो तो जिसमें कोई मतलब कोई एक वो चीज नहीं है, जिसमें आपने छुपा छुपा के बात नहीं कर रहे हो, या कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, आप एक फ्लो में बात करते हो, तो आई थिंक वो दिखता भी है। एंड आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो, और आयुष के बारे में उन्होंने जाना हो जैसे मैंने जाना, और जैसे मैंने यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा और अपनी नॉलेज एनहांस करी। एंड आई एम श्योर विल बी इन टच आयुष, और मैं थोड़ा और समझूंगा
YouTube को थोड़ी पुरानी चीजें तुमसे समझूंगा बिकॉज यू नो कई बार वो चीजें हेल्प करती हैं. यू शुड नो हु यू आर, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर प्लेइंग इन, राइट? तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. जाते जाते आयुष, क्या बोलना चाहोगे अपने सारे ऑडियंस को, मेरे सारे ऑडियंस को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? What would be your message to your audience who loves your content? और जब भी अपलोड करते हो मैं देखता हूँ एक मिनट में भर भर के लाइक्स पहले आ जाते हैं, कॉमेंट्स आ जाते हैं, पूरा वीडियो बाद में देखते हैं लोग, तो क्या कहोगे उन लोगों को? First of all, of course, thank you बोलूंगा. And secondly, I know mostly of them are very young and all. So I want them to pursue their passion. But उसके साथ साथ always मतलब अपना एकेडमिक्स एंड वगैरह सब ठीक रखना, ऑलवेज कीप अ बैकअप प्लान. सो यस, मोस्टली दे आर यंग इसलिए आई वांट टू गिव देम दिस एडवाइस. ऑसम ऑसम. तो यू सी योर एनालिटिक्स, राइट? दैट्स व्हाट यू सेइंग. एग्जैक्टली, या नो, दैट्स अ ग्रेट एडवाइस बिकॉज़ या आई मीन कीपिंग ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट इज नॉट राइट, मे बी एट दैट एज. आगे जाके यू मे वेरी वेल डू दैट एज वेल. तो ग्रेट मैसेज. आई ऑल्सो वॉन्ट कि जाते जाते मुझे ये बताओ कि पीपोए का कौन सा वीडियो तुम्हें अच्छा लगा? फर्स्ट वाला वीडियो, एज आई सेड, यू मेड अ वीडियो ऑन गौरव जोन, दैट वाज रियली गुड. एंड रिसेंटली जो जोमैटो वाला कंट्रोवर्सी हुआ, दैट ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर चैनल, उस टाइम यू रियली पिक्ड अप. एंड और रिसेंटली यू मेड अ वीडियो ऑन दैट अभिषेक बच्चन एंड कैरी मिनाटी वाला भी. आई ऑलमोस्ट वॉच ऑल योर वीडियोस. So yes, all of them are really good. Your points are really good. Bus keep, matlab, keep the fire. Uploading. Thank you so much. और बहुत अच्छा लगा बात करके आयुष. And I God bless you. Keep it up, man. I mean keep being grounded. Keep being humble. और जैसे हो वैसे रहना और rise करते रहो. I really want कि Keemstar और Drama Alert से ऊपर जाओ तुम. मेरा तो एक ड्रीम है कि उनके साथ एक बार कोलैब करूं. लेट्स सी इफ दैट्स पॉसिबल. आई एम श्योर दैट विल हैपन, मैन. आई एम श्योर. चलो, टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी. इट वाज अ प्लेजर हैविंग दिस चैट विद यू. एकदम एकदम. टेक केयर. हैव अ गुड नाइट. बाय. सो गाइस, दिस वाज आयुष अक्का नियॉन मैन. और जैसे मैंने बोला था, ही विल बी एक्सपोज्ड. सो ही हैज बीन फुली एक्सपोज्ड और बहुत सारी बातें करी हमने. आई होप यू लाइक दैट. और ऐसे पॉडकास्ट में लाता रहूंगा बिकॉज मैं एक्टिव हो रहा हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो मैं चाहता हूँ लोगों के बारे में और जानूं और मेरे थ्रू आप भी और ज्यादा उनकी लाइफ में झांक पाएं और मेरे थ्रू यूट्यूब कम्युनिटी को समझ पाएं, यूट्यूब क्रिएटर्स को समझ पाएं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके उनके सक्सेस का क्या क्या सीक्रेट है, क्या मंत्र है, वो आपको सबको पता चलता रहे. तो दिस इज माई इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट. यही मेरा इंटेंट था आयुष को लेकर आने का इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट. ही इज अ यूनिक क्रिएटर हु हैज एस्टैब्लिश्ड हिज नीश. और आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड बी गेटिंग इंस्पायर्ड विद व्हाट ही हैड टू से एंड व्हाट ही हैड टू टेल यू अबाउट हाउ ही अप्रोचेस वीडियोस, हाउ ही अप्रोचेस हिज कंटेंट. तो आई होप दिस वीडियो विल ऐड सडन काइंड ऑफ वैल्यू. तो बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, आप सबका देखने के लिए ये पॉडकास्ट. आप दे रहे हैं पीपल, मैं हूं आकाश. ऐसे ही पॉडकास्ट में फिर से जल्दी से मिलूंगा. तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीज़ एंड गुड बाय.